कैसे आप लोग, कैसी चल रही पढ़ाई? बढ़िया, मज़े में, क्लियर? ओके, जुड़ते जाइए। सभी क्लास स्टार्ट हो गई है, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मम्मी से मिलोगे? ये मम्मी, आ जाओ मम्मी। मम्मी से मिलना है? देखो मम्मी, सुबह सुबह माता जी के दर्शन कराते तुम, आ जाओ मम्मी। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड ग्रुप पर। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। जो भी पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासेस रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जुड़ते जाइए सभी, क्लास स्टार्ट हो गई है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी का वेलकम है। तो चलो शुरू करें क्लास। रेडी हो सभी? तैयार हो? क्लियर? ओके, बढ़िया। कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या तकलीफ कुछ भी हो? नहीं? चलो शुरू करते हैं। ओके जी, ओके ओके जी, ओके। जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए जुड़ते जाइए। चलो तो शुरू करते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर वन आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर वन ये रहा। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन नंबर वन पूछा गया है, प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा निम्नलिखित में से किसे पराजित किया गया था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? बाबर के द्वारा जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें से किसे पराजित किया गया था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए आपका समय शुरू होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा जिसको पराजित किया गया था उसका नाम क्या था? तो वो था इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इब्राहिम लोधी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पहला आंसर जिसका सही है बहुत अच्छी बात है, जिसका गलत हुआ है सही कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आपको बताना है रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर्स रीजन वॉज इन द हैंड ऑफ। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था जो है अकबर की किसके हाथ में थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए आंसर बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व व्यवस्था इनमें से किसके हाथ में थी? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर के शासनकाल के दौरान अकबर की राजस्व व्यवस्था जो है वो थी किसके हाथ में? टोडरमल के हाथ में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोडरमल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए, जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जितने लोग मुझसे अनएकेडमी पर पढ़ना चाहते हैं मैं अनएकेडमी पर फ्री पढ़ाता हूं। आप रोज़ मुझसे अनएकेडमी पर पढ़ सकते हैं। इस क्लास के बाद में 10 बजे से 11 बजे तक अनएकेडमी पर क्लास है, तो आप सभी अनएकेडमी पर क्लास में आ सकते हैं। अनएकेडमी पर जो क्लास है मेरी वो फ्री है, ठीक है। और उसकी लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जो आप वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है अनएकेडमी की, उस लिंक पर क्लिक करके आप अनएकेडमी की क्लास में इनरोल कर लो। अगर आपके पास में अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। जब आप उसको रन करोगे तो उसमें रेलवे स्पेशल क्लास सेलेक्ट करना, उसके बाद फ्री क्लास सेलेक्ट करना, और उसके बाद अगर आपसे कोई कोड मांगा जाता है तो आप मेरा कोड डाल देना। मेरा कोड है AEGG, अपने ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु यूट्यूब चैनल का शॉर्ट फॉर्म।
तो ये वाला जब आप कोड डालोगे तो आप डायरेक्ट मुझ तक आ जाओगे, मैं वहाँ पर भी पढ़ाता हूँ यहाँ पर भी पढ़ाता हूँ, तो दोनों जगह आप मुझसे पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है? सभी को आवाज़ आ रही है? ठीक है, तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। अब साउंड क्लियर है? बढ़िया है, साउंड बढ़ गया। चलिए तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अशोक के शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में इनमें से प्रयुक्त भाषा कौन सी है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर क्या है बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या है? तो अशोक के शिलालेख में भाषा पूछी गई है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के शिलालेख में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो है प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर प्राकृत भाषा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हुए हैं आंसर सही करते जाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृत भाषा प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य ओजपाली है? निम्न में से किस राज्य का नृत्य ओजपाली है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। इनमें से कौन से राज्य का नृत्य ओजपाली है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है ओजपाली किस राज्य का इनमें से नृत्य है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा असम। ओजपाली कहाँ का नृत्य है? असम। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सर आप बोलते थे कि चाय नहीं पीते, आज आप चाय नहीं है, काढ़ा है, ये देख लो काढ़ा है, काढ़ा ये गला है ना, ये दर्द देता है, तो इसको मतलब आराम मिले इसके लिए ये काढ़ा पीते हैं। अदरक सौंठ और मम्मी के हाथों का है जो भी वो बताती हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर इस प्रश्न का असम। दोस्तों वीडियो को शेयर करते चलो, वीडियो को शेयर करते चलो, लाइक करते चलो, मान ही मत। सही बात है, अब जब मानना ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर क्या। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी है? तो ये है एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है एम के गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं आंसर सही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर करते जाओ वीडियो की लिंक को, जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, जिस जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। आगरा में मोती मस्जिद का शासन काल के दौरान, आगरा में जो मोती मस्जिद बनवाई गई थी वो किसके शासन काल में बनवाई गई थी? राइट आंसर क्या है, आगरा में जो मोती मस्जिद बनवाई गई थी वो किसके शासन काल के दौरान बनवाई गई थी? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए।
तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, आगरा में मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, शाहजहां के कार्यकाल में बनवाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां के कार्यकाल में आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था। जिस जिसका भी गलत हुआ है आंसर सही करते जाइए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो की लिंक को शेयर करते जाइए, आप सभी वीडियो लाइक भी करते जाइए। आप लोगों में से कितने लोगों ने वीडियो ही लाइक नहीं किया है, प्लीज़ डू लाइक फास्ट। जिस जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक करते जाइए, जिस जिसने वीडियो लाइक नहीं किया लाइक करते जाइए, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। क्लासेस रोज़ होती हैं, आप पर डे आ सकते हैं। अगर आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी अपने दोस्तों को ज़रूर लिंक शेयर कर दें और अपने दोस्तों को बता भी दीजिए, ठीक है। चलिए, और टाइम टेबल आपको पता ही है, टाइम टेबल हमने आपके लिए कमेंट बॉक्स में शेयर कर ही दिया है, तो आप रोज़ के टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए पर डे की क्लास में आ सकते हैं। टाइम टेबल में मैसेज पिन कर देता हूँ। चलो, तो टाइम टेबल मैंने मैसेज पिन कर दिया है कमेंट बॉक्स में, सबसे ऊपर नीले कलर का, अभी सबको दिख गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंदिरा माउंट भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर है, ये जलमग्न पहाड़ किस सागर में है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर क्या है सभी बताएंगे। इंदिरा माउंट ये जलमग्न पहाड़ भारत के किस सागर में है, क्या उत्तर होगा बतलाइए, राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंदिरा माउंट भारत के किस सागर में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए अंटार्कटिक महासागर में है। कहाँ पर है ये, अंटार्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हुए सही करो, बहुत सारे लोगों के आंसर गलत हुए हैं, सही करते जाओ, जिस जिसने भी गलत आंसर किए हैं सही करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न क्या पूछा गया, चलिए देखते हैं। तमिलनाडु के चार दिन तक चलने वाले फसल त्यौहार कौन सा है, जिसमें एक होता है भोगी, एक होता है सूरज, एक होता है मट्टू और एक होता है कनम। तमिलनाडु में चलने वाले ये त्यौहार कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, सही उत्तर, जिस जिसके भी गलत हो सही भी करते जाना, आंसर देते। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो तमिलनाडु में ये जो त्यौहार चलता है ये कौन सा त्यौहार है, किस त्यौहार के अंग हैं ये, तो ये सभी पोंगल त्यौहार के अंग हैं, पोंगल त्यौहार के अंदर। अच्छा, टाइमर से पहले ही सब आंसर दे देता है, अच्छी बात है ना भाई, टाइमर से पहले आंसर दे देते हो तो, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। पुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है, राइट आंसर क्या है, पुलकारी कढ़ाई जो है ये किस राज्य से संबंधित है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पुलकारी कढ़ाई जो है पंजाब राज्य से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हो रहा है आंसर सही करते जाइए, जो भी पहली बार मुझसे मिल रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्लासेस रोज़ होती हैं, आप पर डे आ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या है, किस नदी के तट पर जमशेदपुर भारत का इस्पात नगर स्थित है,
किस नदी के तट पर भारत का इस्पात नगर जमशेदपुर स्थित है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर स्वर्ण रेखा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। पूजा मित्तल सही करो आंसर। अब बताओ 15 सेकंड में तुम लोग गलत आंसर कर रहे हो, इसीलिए तो 15 सेकंड, जिससे बनते हैं वो तो आंसर दे दे रहा है, जिसके नहीं बन रहा है वो तो गलत आंसर दे रहा है ना। तो ये किसी के लिए फायदा है और किसी के लिए नुकसान का सौदा है। अपने फायदे नुकसान को क्रिएट करो, सभी सभी फायदे में आओ और सही आंसर देना शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हाँ क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र में आप ओंज ओंज जनजाति ओंज जनजाति के लोग भारत के किस संघ शासित क्षेत्र में आपको मिलेंगे? आपको बताना है भारत के कौन से संघ शासित क्षेत्र में ओंज जनजाति के लोग मिलेंगे। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए इस प्रश्न का क्या। बहुत अच्छे, करुणा सिंह, चंदन, पूजा यादव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो ओंझ जनजाति के लोग कहाँ पर मिलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये मिलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ मिलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जिसके गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। अनन्या दुबे, पूजा मित्तल, यास्मिन आर्ट्स, जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाओ। जो पहली बार चैनल पर आया है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो भी पहली बार चैनल पर आया है सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, वीडियो लाइक करने में बहुत देरी कर रहे हो, वीडियो लाइक करते जाओ। जिस जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है चैंपियंस, लाइक का बटन दबाओ फटाफट, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक का बटन दबाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, दारा शिकोह आखिरकार किसकी लड़ाई में औरंगजेब से उत्तराधिकारी का युद्ध हार गया था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में जो लड़ाई हुई थी उत्तराधिकारी के लिए, उसमें वो कौन सी लड़ाई में हार गया था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दारा शिकोह किस लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये हार गया था ऑप्शन नंबर समूगढ़ के युद्ध में, जो कि 29 मई 1658 में हुआ था। कब हुआ था? 29 मई 1658 में हुआ था ये युद्ध। राइट आंसर हो जाएगा, और ये कौन सा युद्ध था? समूगढ़ का युद्ध था। इस युद्ध में दारा शिकोह जो है औरंगजेब से उत्तराधिकार की लड़ाई हार गया था। कौन है यार ये इतने जबरदस्त मैसेज किया जा रहा है भाई, तुम लोग इतने सारे नीले होके और इसको रोक नहीं पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है ये रहा स्क्रीन पर। शेयर करते जाइए वीडियो को, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 काम करने के अधिकार कुछ मामले में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए सौदों के किस से संबंधित है? आपको बताना है ये अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 इनमें से किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, अनुच्छेद 14 इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, अनुच्छेद 14 जो है राइट आंसर किससे संबंधित है ये? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा किससे? तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, जी हाँ
राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। किससे? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है डी, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। जिसका गलत हुआ है सही कर लो, आते हुए क्वेश्चन गलत मत करो। मित्तल साहब सही करो आंसर, है ना, सही करो आंसर। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं, आपके लिए समय सीमा जो है इसीलिए दी गई है कि गलत आंसर करो तो सही कर लो, है ना। ऐसा नहीं गर्राने के लिए नहीं दी गई कि हाँ भैया हमारा आंसर 1 सेकंड में आ जा रहा, तो हम बाकी के बचे हुए 14 सेकंड हैं बिल्कुल एकदम लगे हैं कमेंट करने। सर गलत हो रहा सही करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है, झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। सही करो आंसर। और जिस जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। क्लास रोज होती है, टाइम टेबल देखो कमेंट बॉक्स में ऊपर लटका हुआ है ना, येलो कलर की आईडी से ऑल एग्जाम गाइड गुरु जो लिखा है उस पर क्लिक करोगे टाइम टेबल तुरंत दिख जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चिन्ना वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? चिन्ना वन्यजीव अभयारण्य इनमें से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? राइट आंसर क्या है बतलाइए, क्या उत्तर होगा? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है चिन्ना राष्ट्रीय जी। ओहो, टिक गलत कर दिया मैंने 128 क्यों? हाँ, नीति निर्देशक तत्व तो बोल के और मौलिक अधिकार पे क्लिक कर दिया। ओके, इसको सही कर लो भैया, ये बताएं ये वाला नहीं है, ठीक है, इसको सही कर लो। नीति निर्देशक तत्व तो होगा इसका, है ना, हमने मौलिक अधिकार पे मार दिया क्या? ये लो, है ना, नीति निर्देशक तत्व ये वाला होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट होगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन क्या था अपना, ये चिन्ना राष्ट्रीय उद्यान, तो चिन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, चिन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल में है, ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा, केरल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। सॉरी 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 सॉरी, हाँ सरासर अन्याय क्या हुआ, आंसर हमने सही बताया था ऑप्शन, हाँ गलत, टिक टिक गलत कर दिया था। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। हम तो हाँ तो सही है ना तुम्हारा नीति निदेशक, सही है फिर और क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की विधि इनमें से किस अनुच्छेद से प्रदान की गई है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या है, किस अनुच्छेद में मिलती है संशोधन की विधि? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है बताइए। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है कौन से अनुच्छेद? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 368। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है आर्टिकल 368 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हाउ दो कान पकड़ के हमने उठक बैठक लगा दी, अब कोई बोल मत देना बिल्कुल, है ना। हाँ बिल्कुल सही आंसर बता दिए मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही बोल के टिक गलत कर दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, हर्ष चरित इनमें से किसने लिखी है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए।
हर्षचरित किसने लिखी है, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए। जे जे के भी गलत हो रहे हैं, सही करते जाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है हर्षचरित इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है बाणभट्ट, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, बाणभट्ट प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में तो आ गया ना, 14 और 41 दोनों समझ में आ गया, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक दोनों क्लियर है ना अपने लिए। ठीक है, गलती हो गई उधर से, 14 और 41 सेम नंबर ऊपर नीचे हो गया, लेकिन फिर बाद में अपन ने सही कर लिया है ना, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ज़्यादा टेंशन लोगे तो टॉन्सिल हो जाता है, देखो ये हो गया है हमें इधर पर, ये टॉन्सिल हो गया है गर्दन, इसीलिए तो आज थोड़े से हम तो मैं सीधे साधे लग रहे होंगे, ऐसे लग रहे होंगे कि बिल्कुल अभी अभी भगवान ने बना के धरती पर भेजा है, बोल नहीं पा रहे हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो इसीलिए बिल्कुल एकदम ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, नहीं तक तो अभी तक चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ लिया होते। अगला क्वेश्चन, हाँ तो ये आंसर मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। 7 बहनों का सदस्य इनमें से कौन सा राज्य है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7 सिस्टर्स, तो 7 सिस्टर्स इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सदस्य त्रिपुरा, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, राइट आंसर क्या हो जाएगा त्रिपुरा, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हुआ है आंसर सही करते जाइए, राइट आंसर हो जाएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर का समकालीन शासक कौन था, जिस समय अकबर का शासन चल रहा था, इनमें से किसे अकबर कौन, इनमें से अकबर के शासन का समकालीन माना जाता है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के, क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, सभी का आंसर आना चाहिए। और जिस जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते जाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रानी दुर्गावती जी, कौन है, रानी दुर्गावती जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है रानी दुर्गावती जी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए। चैंपियंस प्लीज़ लाइक करते चलो वीडियो को, हम देख रहे हैं यहाँ से अभी तक लाइक बहुत नहीं हुए हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन है जिस जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है आप सभी थोड़ा सा कष्ट करो, कष्ट करो तो ही थोड़ी सी समस्या हल होगी। अभी सिर्फ 76 लाइक हैं, ओनली 76 लाइक हैं, आप लोग लाइक का काउंटिंग बढ़ाओ, आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, एक तुम ही हो और कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वस्तु की मांग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए चलिए बताइए। वस्तु की मांग जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए। यहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन आपको लगाना पड़ेगा ए एंड बी बोथ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है ए एंड बी बोथ इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है ए एंड बी बोथ प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए, ऑप्शन नंबर ए एंड
बी, बोथ प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर सही कर लो, यहाँ पर मेरी तरफ से गलती हुई कि मैंने आपसे ए एंड बी ऑप्शन नहीं दिया, सही कर लो इसको, ठीक है ना। लेकिन सूरज भाई किसको याद था, किसने ए एंड बी बोथ पहले से ही आंसर मार दिया था। हाँ, खरीदने की इच्छा और बिक्री की शक्ति, है ना, पढ़ने की इच्छा तुम्हारी और पढ़ाने की शक्ति हमारी, तभी वस्तु की मांग मतलब क्लास की मांग चलती है, डिमांड पर रहती है क्लास। हाँ भाई, ऑन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, बताइए क्या उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को, राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। ए होई, टॉन्सिल कितना दिन में ठीक होला हो आए, क्योंकि पता बका कितना दिन में ठीक होई, हैरान करके ढह देने वाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। मानव शरीर में कौन सी संरचना अपेंडिक्स के साथ में जुड़ी होती है, सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए, बताइए। मानव शरीर में कौन सी संरचना अपेंडिक्स के साथ में जुड़ी होती है, सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए, बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। तो ये मानव शरीर में अपेंडिक्स जो है किस में जुड़ी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, मानव शरीर में अपेंडिक्स बड़ी आंत में जुड़ी होती है। राइट आंसर हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बड़ी आंत इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है हथौड़ी से ठोकी इधर, तुम तो चाहते हो हाँ थोड़ी है मारे, राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। शेयर करते चलिए वीडियो को, लाइक करते चलिए जिस जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से किस गैस का प्रयोग करके पकाते हैं, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए। हरे फलों को किस गैस का प्रयोग करके पकाते हैं, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए आंसर क्या हो। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, हरे फलों को किस गैस का प्रयोग करके पकाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए एसिटिलीन। किसका, एसिटिलीन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाओ। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सभी मुझसे अनएकेडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो आप अनएकेडमी की लिंक पर क्लिक करके क्लास एनरोल कर लो। अभी इस क्लास के बाद में 10 बजे से क्लास है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके क्लास एनरोल कर लो। अगर आपसे कोई कोड मांगता है अनएकेडमी पर तो मेरा कोड डाल देना। मेरा कोड क्या है, मेरा कोड है AEGG, ये मेरा कोड है। इस कोड को यूज़ कर लेना, AEGG, है ना, AEGG, इस कोड को यूज़ करना। जैसे आप ये कोड डालोगे अनअकैडमी आपका चलने लगेगा, फ्री क्लास रहेगी मेरी, यहाँ पर भी फ्री है अनअकैडमी पर भी फ्री है। अगर पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो तो रन करना, इंस्टॉल करने के बाद में रेलवे स्पेशल एग्ज़ाम सेलेक्ट करना, फ्री क्लास सेलेक्ट करना, फिर ये वाला कोड डाल देना, आप मेरी क्लास में पहुँच जाओगे, ठीक है ना। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जिस जिसको पढ़ना है अनअकैडमी पर आ सकता है मुझसे पढ़ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद अधिकतम कितनी अवधि के लिए धन विधेयक को
देरी कर सकती है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विधान परिषद अधिकतम कितनी अवधि के लिए धन विधेयक को रोक सकती है, तो राइट आंसर है विधान परिषद अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। प्राकृतिक तौर पर फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है ना, एथाइलीन एथिलीन, और कृत्रिम रूप से पकाने वाला एसिटिलीन। ठीक, प्राकृतिक रूप से पकाने वाला क्या होता है, एथाइलीन होता है, एथिलीन होता है, उसको लिख सकते हैं दो तरीके से। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आप उसमें एसिटिलीन का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पर जो है आपका कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का, और प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथाइलीन है ना, एक हार्मोन होता है पौधों में पाया जाने वाला, सिर्फ वही एक हार्मोन होता है जो गैसीय फॉर्म में होता है और उसी से ही पौधे के फल जो है पकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर प्राप्त सोडा वाटर जो होता है वो इनमें से किस तरह का होता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए आंसर बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी बताएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए, हाँ तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सही उत्तर हो जाएगा पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर जो सोडा वाटर प्राप्त करते हैं वो कैसा होता है, तो वो प्रकृति में होता है अम्लीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृति में कैसा होता है, अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर अम्लीय इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अम्लीय है ना, सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, जिन जिन ने भी गलत आंसर दिए हैं सही कर लो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काहे को लड़ते हो क्लास में तुम लोग सुबह सुबह से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एकदम, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। थियोसोफिकल सोसाइटी यूएस में इनमें से किस व्यक्ति ने स्थापित की थी, थियोसोफिकल सोसाइटी यूएस में इनमें से किसने स्थापित की थी, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर है थियोसोफिकल सोसाइटी यूएस में किसने स्थापित की थी, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है मैडम ब्लावात्स्की। कौन है ये, मैडम ब्लावात्स्की इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, मैडम ब्लावात्स्की इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। झगड़ा नहीं करते सीधे साधे लोग हो, हाँ झगड़ा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के बाद वह राज्य कौन सा है जिसके पास राजस्थान में सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश के बाद में वो कौन सा राज्य है जिसमें राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें हैं, क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा, जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं आंसर सही करते जाइए, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर इस प्रश्न के लिए, तो ऑप्शन नंबर वो राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, इसमें आपके लिए 30 सेकंड का समय मिल गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, अकबर डैस के अभिभावक शिक्षक थे। आपको बताना है अकबर का इनमें से कौन गार्जियन टीचर था जो हमेशा अकबर के साथ में भी रहता था और उसको प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसको सीखा शिक्षा भी देता था। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो कौन था, तो वो था बैरम खान। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है, उसका नाम क्या था, तो वो था बैरम खान जो अकबर के साथ में भी रहता था और उसको शिक्षा भी देता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैरम खान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, भिलाई स्टील प्लांट जो है किसकी सहायता से स्थापित किया गया है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, भिलाई स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित हुआ, क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ये स्थापित हुआ है ऑप्शन नंबर रूस के सहयोग से। किसके, रूस के सहयोग से, राइट आंसर हो जाएगा, भिलाई जो है रूस के सहयोग से स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करते चलो, वीडियो लाइक करते चलो, जिस जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक करते चलिए। आप लोगों में से अभी तक सिर्फ 100 लोग बस लोगों ने वीडियो लाइक किया, बाकी लोगों ने अभी तक कोई वीडियो लाइक नहीं किया। प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करते चलिए, जिस जिसने वीडियो लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो लाइक करते चलिए, और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस रोज होती हैं। हाँ एक ट्रिक बोले थे ना, हाँ भिलाई गए थे तो रूस के साजन हमारे रूस के भिलाई चले गए, साजन हमसे रूस गए और भिलाई चले गए। हाँ तो हमारे साजन हमसे रूस के भिलाई चले गए, तो भिलाई किससे बना, रूस के सहयोग से बना, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। साजन हमार रूस गई ले यार, भिलाई चले खातिर हो गई ले तैयार, हमरो के लेके नहीं जाए ले, हमरा के बड़ा ही रोवाए ले। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए, सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है इसमें से। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, देखो यहाँ पर दो आंसर होंगे, अगर आप पुरानी कंडीशन में देखोगे, अगर आप पुरानी कंडीशन में देखोगे तो दक्षिण अफ्रीका आंसर है, और अगर आप अभी की कंडीशन में देखोगे तो अभी चीन आंसर है, ठीक है ना। लेकिन दोनों अगर एक साथ में आ जाएँ, और डिपेंड करता है लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, आज क्वेश्चन तो आज ही का सही माना जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका चीन, चीन वाला आंसर यहाँ पर ये सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, चीन वाला आंसर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि खुदाई के हिसाब से भाई सीधी सीधी बात है, शुरुआत में जो है कोलार गोल्ड माइन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना था, लेकिन खोदते खोदते आज भारत में सोने की खदान ख़त्म हो गई। अब वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान थी, वहाँ पर भी खुदाई करते करते वहाँ पर भी काम लग गया, अब चीन में मिली है खदान, है ना। तो नंबर ये हैं, बदलते रहते हैं भाई, ख़त्म होगा तो बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि धीमी होती है। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए, इनमें से किसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि दर जो है धीमी होती है। राइट आंसर क्या है बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, किसकी कमी के कारण शरीर की वृद्धि दर धीमी होती है। तो हमारे शरीर में हार्मोन जो रहते हैं, वो अगर सही टाइम पर सक्रिय ना हो तो फिर थोड़े से वृद्धि दर जो है शरीर की धीमी रहती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सही उत्तर है।
ये टैंसल ठीक हो जाता है ना? कितने दिन में ठीक होता है बताया नहीं कोई। सूरज तुम बता रहे थे 4-5 दिन में। अपने आप छोड़ दें ऐसे ही कि कुछ करना भी पड़ता है इसका है? अरे तुम लोग बताते नहीं हो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से देश में कुल क्रांति के लिए खड़ा था? निम्नलिखित में से कौन से देश में कुल क्रांति, हु अमंग द फॉलोइंग स्टूड फॉर टोटल रिवोल्यूशन इन कंट्री, टोटल रिवोल्यूशन इनके लिए कौन है? ये राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बतलाइए, आंसर क्या है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कौन खड़े हुए थे टोटल रिवॉल्यूशन के लिए भारत में, तो टोटल रिवॉल्यूशन के लिए जयप्रकाश नारायण, एकदम सारे युवा। जयप्रकाश नारायण पहले एक नेता थे जिनके साथ में देश के सब युवा खड़े हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, जयप्रकाश नारायण ने सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था स्वतंत्र भारत के बाद में जब सरकारें बनी उस समय। राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन नारायण साहब, नारायण साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है ये रहा स्क्रीन पर। जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। चैंपियंस प्लीज लाइक करते चलो, शेयर करते चलो। हाँ लाइक करते चलो, शेयर करते चलो सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले दो तत्व कौन से हैं? ट्रांजिस्टर गर्म पानी पीने से और डॉक्टर दिखाने से सही, डॉक्टर को दिखाने से, डॉक्टर, हाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अनुशिष मतलब तुम है ना, घर से निकलवा के रहोगी हमारे लिए, थोड़ा बहुत तो देखो। हाँ अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ अभी से ही, मतलब तुम है ना लंका लगवाओगी है ना, पता चले। मम्मी भी कम नहीं है और तुम्हारी भाभी भी कम नहीं है, दोनों लोग मिल के मेरे ही लेग पीस निकाल देंगी। हाओ गजब हो, मतलब बहने हो लेकिन तुम्हारे जैसी ना हो। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। देखो वर्षा से तुम्हारे रहते हुए ऐसा बोल के चली जा रही है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, इल्मे नाइट किसका अयस्क है, किसका खनिज है? सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए बतलाइए, इल्मे नाइट किसका अयस्क या खनिज है बतलाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर क्या है? हाँ डेली क्लास चलती है, डेली क्लास होती है, रोज क्लास होती है। टाइम टेबल आपके कमेंट बॉक्स में हमने ऊपर मैसेज पिन कर दिया है, आप देख लीजिए। आरती चतुर्वेदी, आरती चौधरी जी लियो। तो हाँ क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं। तो इल्मेनाइट किसका अयस्क है? इल्मेनाइट अयस्क है टाइटेनियम का। किसका? टाइटेनियम का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इल्मेनाइट जो है टाइटेनियम का अयस्क है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी एक अध्यादेश को विधानसभा द्वारा कितने समय में, इनमें से कितने समय में पारित हो जाना चाहिए? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश को विधानसभा में जो है 6 हफ्तों में
पारित हो जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 6 हफ्ते। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है रोज क्लासेस होती हैं। रोज की क्लासेस का टाइम टेबल आपके लिए कमेंट बॉक्स में बीच बीच में शेयर किया जाता है, आप देख लिया करिए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लिया करिए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपके लिए टाइम टेबल हम कमेंट बॉक्स में शेयर कर देते हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं टाइम टेबल देख लीजिए। और इस क्लास के बाद दोपहर 2 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, तो आप सभी करंट अफेयर्स की क्लास में भी ज़रूर आ जाइएगा। इस क्लास के बाद में दोपहर में 2 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, क्या उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन सा है, तो आर्टिकल 163 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आर्टिकल 163 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है, जिस जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए, जिस जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मुझसे आज पहली बार पढ़ रहा है चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है, बताइए राइट आंसर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भद्रबाहु को दिया जाता है। किसको, भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो जो चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इस क्लास के बाद 2 बजे क्लास है करेंट अफेयर्स की यूट्यूब की। बाकी अगर कोई मुझसे अनअकैडमी पर भी पढ़ना चाहता है तो मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी की लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप अनअकैडमी की क्लास का टाइम ऑन कर लीजिए, रिमाइंडर ऑन कर लीजिए, इनरोल कर लो क्लास। अगर आपके पास में अनअकैडमी एप्लीकेशन नहीं है और आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिर इस वीडियो पर आकर नीचे क्लिप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे अनअकैडमी खुल जाएगा आपका, और उसमें रेलवे स्पेशल क्लास सिलेक्ट करना, फिर उसके बाद में फ्री क्लास सिलेक्ट करना है ना, और ये मेरा कोड डाल देना AEGG, ये वाला कोड डालोगे ना रेलवे स्पेशल क्लास सिलेक्ट करके, तो आप तुरंत मेरी क्लास में आ जाओगे। फ्री क्लासेस होती है जैसे यहाँ पर वैसे ही अनअकैडमी पर, 10 बजे से क्लास है, जिसको भी आना 10 बजे से पहले फटाफट जल्दी आ जाना कि आपकी क्लास ना छूटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। भारत का मार्टिन लूथर के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। किसको, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, ब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, जो ब्रश रहता है अपना उसके ब्रिसल्स, उसके जो तार रहते हैं जिससे अपन दांत साफ करते हैं, वो बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, सही उत्तर क्या है बताइए।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रश के ब्रिसल्स बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नायलॉन 66 का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर नायलॉन 66 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जिसका गलत हुआ है सही करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मानव गुर्दे में पथरी बनने के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न का बतलाइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानव गुर्दे में पथरी बनने के लिए क्या जिम्मेदार है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण मानव गुर्दे में पथरी बनती है। जिस जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के तहत कितनी आपातकालीन स्थितियों पर विचार किया गया है, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के तहत आपातकालीन स्थितियाँ कितनी हैं, तो 3 आपातकालीन स्थितियाँ हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 3 आपातकालीन स्थितियाँ, युद्ध, बाहरी युद्ध है ना, आंतरिक अशांति और जी हाँ वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पौधों के नाइट्रोजन के रूप में प्राप्त होता है, पौधों को नाइट्रोजन जो है इनमें से किस रूप में, पौधे जो है नाइट्रोजन इनमें से किस रूप में ग्रहण करते हैं, राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, चलिए बताइए। जो जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, क्या उत्तर होगा। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है पौधे जो है नाइट्रोजन कैसे, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जिन जिनका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए, जो भी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मुझसे अनअकैडमी पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी की लिंक है, 10 बजे मैं अनअकैडमी पर पढ़ाऊंगा। अनअकैडमी पर मेरा कोड है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा कोड अनअकैडमी पर है AEGG, ये मेरा अनअकैडमी का कोड है। आप रेलवे स्पेशल क्लास सेलेक्ट करना, फ्री क्लास सेलेक्ट करना और ये वाला कोड डाल देना, अनअकैडमी आपका फ्री चलेगा, मुझसे आप अनअकैडमी पर भी फ्री पढ़ सकते हो, ये मेरा कोड है, इस कोड को याद रखिए, रेलवे स्पेशल एग्जाम फ्री क्लासेस सेलेक्ट करने के बाद ये कोड डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने मैत्री पहल के तहत किस देश को COVID-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर क्या है प्रश्न का। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत ने जो है फिजी के लिए ये वैक्सीन भेजी है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, फिजी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चैंपियंस प्लीज वीडियो लाइक करते चलो, जिस जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक करते चलिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे, मैं यहाँ से देख रहा हूँ अभी तक सिर्फ 120 लाइक हुए हैं, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 200 लाइक तो हो ही जाने चाहिए थे अभी तक। जिस जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सभी जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा फिजी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कितने लाख कोविड वैक्सीन उपहार में भेजी हैं, राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, भारत ने कितनी लाख कोविड वैक्सीन भेजी हैं उपहार में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए, तो 2 लाख वैक्सीन भेजी हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश की सेना को 1 लाख कोविड 19
1 लाख COVID-19 खुराक दी हैं। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पर मैं ही बता देता हूँ जल्दी जल्दी आपके लिए, क्योंकि टाइम हो गया है। तो नेपाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में और किस देश के पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिवसीय नौसेना अभ्यास पैसेज शुरू हुआ है? तो भारत और कौन से देश के बीच में ये युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो ये पैसेज युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइन बेस ने भारत में कहाँ पर अपना कार्यालय स्थापित करने की बात कही है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, भारत में अपना कार्यालय ये हैदराबाद में स्थापित कर रहा है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के संसद ने वर्तमान राष्ट्रपति को अगले 2 कार्यकाल तक सक्षम बनाने वाले विधेयक को पारित किया है? मतलब जो अभी वर्तमान में उस देश में राष्ट्रपति हैं, आने वाले 2 कार्यकाल तक वो राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे, कौन से देश की संसद ने ये काम किया है? तो ये काम किया है पुतिन की संसद ने, राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान कितने इंटरनेशनल खेलने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो पहले बने हैं धोनी, दूसरे बनेंगे अजरुद्दीन और तीसरे बनेंगे ये विराट कोहली। और इन्हें कितने मैच खेले हैं? इन्होंने खेले हैं 300, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, 300 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में ईरान और किस देश ने 25 वर्षों के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईरान और चीन ने 25 वर्षों के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या है? जी सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर आपका ईरान और चीन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जिस जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईरान और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस बैंक के बैंक ने ब्रांड ऋण के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ब्रांड जो भी रहते हैं बड़े, उनके लिए अगर ऋण चाहिए 8,000 करोड़ रुपए तक का ऋण देने की बात कही है, कौन सा बैंक है ये? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा IDBI बैंक। कौन सा बैंक है ये? IDBI बैंक प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जी तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है खेलो इंडिया? तो ये बढ़ा दिया गया 2025-2026, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी क्लास होती है ओवर, ठीक है। जो भी पहली बार मुझसे जुड़ रहा है आप सभी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्लासेस रोज होती हैं। इस क्लास के बाद अब अनएकेडमी पर क्लास है, तो आप अनएकेडमी वाली क्लास की लिंक मैं कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ। अनएकेडमी वाली क्लास जो है उस पर क्लिक करके आप अनएकेडमी वाली क्लास में 10 बजे मुझसे पढ़ने के लिए आ जाइएगा। जिस जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्लास रोज़ होती है, आप पर डे आ सकते हैं, आप रोज़ पढ़ने के लिए मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसके बाद वाली भी यूट्यूब की क्लास में आप आ सकें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मुझसे पहली बार जुड़ा हुआ है मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अनअकैडमी वाली क्लास की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्ट अनअकैडमी वाली क्लास में पहुंच जाओगे मेरी। बीच में अगर आपसे कोई भी कोड मांगा जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा कोड क्या है, ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु का AEGG, इस कोड को आप डालोगे जैसे ही तो आपकी अनअकैडमी पर क्लास एक्टिव हो जाएगी, फ्री क्लासेस रहेंगी अनअकैडमी पर। AEGG रेलवे स्पेशल क्लास सेलेक्ट करना, क्या करोगे? रेलवे स्पेशल सेलेक्ट क्लास करना, फ्री क्लास सेलेक्ट करना, रेलवे स्पेशल फ्री क्लास सेलेक्ट करके ये वाला कोड डाल देना, और जैसे ही आप ये वाला कोड डालोगे आप डायरेक्ट मेरी क्लास में पहुंच जाओगे। ईरान को चाबहार पोर्ट के लिए भारत ने नहीं दिया, जापान ने दिया, चाबहार पोर्ट से भारत को ईरान ने बाहर कर दिया। चाबहार पोर्ट पर पहले भारत भी ईरान के साथ में और जापान के साथ में मिलकर काम कर रहा था, जापान ने चाबहार पोर्ट से भारत को ही बाहर कर दिया, भारत को अब एंट्री ही नहीं दे रहा है, समझ रहे हो? जापान ने भारत को ही बाहर कर दिया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हम तो एक बार स्टार्टिंग में बताते हैं और एक बार लास्ट में बताते हैं, बीच में बताते हैं, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, बिल्कुल एकदम कंटिन्यू बोले ही जा रहे हैं, समझ रहे हो?
सो एक बार शुरू में बताते हैं, एक बार लास्ट में बताते हैं, और एक बार बीच में। ऐसा तो नहीं कंटिन्यू बिल्कुल वही वही चल रहा है अपना, है कि नहीं? समझ रहे हो? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान ने दिया है। भारत, हाँ भारत था वर्षा उसमें। मैं आज करेंट अफेयर्स की क्लास में ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन करेंट अफेयर्स वाली क्लास में कराऊंगा, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट सीरीज है, लिंक पर क्लिक करके लगा दो। जिसको पीडीएफ चाहिए पीडीएफ भी लगा लो। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।